माय YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब भूत क्यों बनी है, वो इसलिए क्योंकि मुझे मास्क साथ में नहीं थी और मैं गाड़ी में थी। मैंने अब ऐसे दुपट्टे को रखा तो मैंने सोचा इसी से काम चलाऊंगी क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं बनाया इसकी वजह से। तो मायके से मैं अपने कब आज से 3-4 दिन पहले आई हूँ, तो उस टाइम मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो गए थे, तो मैं नहीं चाहती थी आप सबके सामने लेके आऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया व्लॉग। जब मैं वहाँ से आई मैंने सोचा था मैं घर जाके बनाऊंगी, बट घर में हमें काम चल रहा था तो उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। इंसानिता बिजी रहा, टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो इनके लिए बनाना है क्योंकि आप सब इतना प्यार देते, इतना वेट करते हो, तो आप लोग हमेशा समझते हो। इतनी मुझे मैसेज आती है कि दी क्या हुआ है, आप मतलब बीमार हो, आप व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते, हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला? तो कुछ भी नहीं था, बस यही मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप आगे चल के जो ब्लॉग में देखोगे वो मैंने इन दिनों में थोड़ा थोड़ा लिया है, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स लिए हैं, तो सोचा मैंने कि आप सबके लिए एक ब्लॉग बना दूं। तो आई होप कि आप सबको वो पसंद आएगा, तो आप लोग जाके वो देखो। अभी मैं कहीं जा रही हूँ तो आप जाके वो देखो कि मैंने इन दिनों में क्या किया है। तो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग हमेशा समझते हो, हमेशा बोलते हो कि कोई बात नहीं, अगर आप बिज़ी हो तो कोई मसला नहीं है, होता है, तो इसीलिए। और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसकी वजह से भी ज़्यादा मुझे इसी की वजह से हुआ कि काम चल रहा था घर में, तो वरना मैं बनाती व्लॉग, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो क्या करें, जितना आप सब मुझे मिस करते थे इन दिनों इतना ही मैं भी सबको करती हूँ, क्योंकि जिस जिसको लगता है ना व्लॉगिंग आसान है, तो व्लॉगिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंसान को कुछ भी करके व्लॉग बनाना पड़ता है, तो मुझे इतनी टेंशन थी, इतने दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, तो फिर कहीं ना कहीं यकीन भी था कि आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप कि आप सब ने मुझे बहुत मिस किया होगा जितना मैंने आप सबको किया। तो चलिए आप वो ब्लॉग देखिए इन दिनों में मैंने क्या क्या किया, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो जी ये है उस दिन का ब्लॉग जब मैं अपने ससुराल आई थी, तो मेरे साथ मेरे पापा थे, तो मैंने सोचा ऐसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हुए ब्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पर हम लोग खा रहे थे खाना, मैं और मेरे पापा, तो फैजू भी पे था, वो हमें सालन डाल रहा था और बोल रहा था खाओ, पापा को डाल रहा था, पापा से वैसे मुझसे ज़्यादा प्यार मेरे पापा से ही करता है वो। तो उसके बाद यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट डे, रोटी को करते हैं गरम। गैस की फ्लेम पानी कम क्यों है? और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने अपने बाग से लाए हैं मेरे लिए। बहुत सारे मैंने खाए हैं। मुझे रोटी हो रही है गर्म और मैं यहाँ पे अपनी चाय पी रही हूँ क्योंकि मुझे सब्र ही नहीं हो रहा है, भूख लगी है मुझे। और यहाँ पे मैं खा रही थी ये, तो यहाँ पे मुझे बनानी थी सब्ज़ी। मैंने सोचा कि यहाँ पे भी थोड़ा सा व्लॉग बना दूँ। यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए लेके आए थे और मुझे साग बनाना था, तो पहले मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं पहले अदरक लहसुन जो है इसको अच्छे से चॉप करती हूँ। उसके बाद फैजू ने कहा कि हम चिकन रोस्ट करेंगे, तो उसको मैंने मैरिनेट करके रखा था। और यहाँ पे मैं भूख पड़ रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या बनाऊँ आपके लिए, कौन सी मज़े की रेसिपी लेके आऊँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में फुर्सत से देखूँगी, तो फिर मैं सारा कुछ लाऊँगी और बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने चिकन डाला था ओवन में, और यहाँ पे इतने सारे इसका वेट कर रहे थे कि कब बनेगा कब बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, भूख भी हम लोगों को लगी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग फिर सारे वेट कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे फ्रूट्स निकालने थे खुद के लिए, मैं सोच रही थी क्या खाऊं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये कुछ अजीब से हुए थे, फिर मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे धुआं निकल रहा था, तो मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी कि मुझे लगा, मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि ये जल गया, शायद उसने बोला नहीं ये जला नहीं है,
ये निकलता है। तो मैं सोच रही थी कि कब से वेट कर रही हूँ, अगर ये जल गया तो फिर क्या होगा। उसने बोला नहीं ये नहीं जलेगा, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो फिर ये अच्छे से बन गया था और ये देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने लेमन भी लिया था साथ में, फिर अलग ही मज़ा आता है नींबू के साथ खाने में, क्या बोलते हो आप, मुझे तो बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो फिर मैंने अच्छे से खाया, इंजॉय किया। आप आज छुट्टी है? आज अयान भाई को भी छुट्टी है। चाय पी आ जा, यहाँ पे बैठोगी कि अंदर आओगी? यहीं पे बैठोगी कि अंदर आओगी? ये क्या है इसमें? डोरेमोन? ठीक है बैठ। मेरी कैट कुछ कैट वैट नहीं लाती ना, मैं तब तक मैं इसी से गुजारा करती हूँ, तब तक मैं इसी के साथ बैठती हूँ दिन भर। दिन भर नहीं मतलब कभी कभी जब फ्री टाइम होता है, और खेलती हूँ, बातें करती हूँ इसके साथ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपने लिए एक कैट लाऊंगी, सोच रहे हैं हम कैट एक लाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोगों को करनी थी बीन्स कट, मुझे और मेरी जो मदर इन लॉ है, और हम साथ में बैठ रहे थे। और वही से हमने खूब बात है कि होता है ना, हर एक लड़की के साथ होता होगा, जब हम अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठते हैं तो फिर हम ढेर सारी बातें करते हैं और वही पे अपना काम भी करते हैं। तो वही हम लोगों ने भी किया, साथ में बातें होती रही, हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, कोशिश करें किसी की गैबत ना करें और किसी के बारे में कुछ बुरा वुरा ना बोले, कुछ गैबत भी हुई होती है तो हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, अपनी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए जिससे हम लोगों को गुनाह भी ना मिले। तो यहाँ पे हम लोग फिर मिलके कर रहे थे बीन्स कट, और बीन्स भी मैंने काट की थी। यहाँ पे एक सीन हो गया था, इसमें बहुत बड़ा नहीं छोटा सा कीड़ा निकला, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि हमेशा देख के सब्ज़ी अच्छे से देख के काट करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार होता है ना छोटा मोटा कीड़ा तो फिर ख़तरा होता है। तो यहाँ पे मुझे और एक सब्ज़ी बनानी है, उसके लिए मैं करूँगी टमाटर कट और हम करेंगे प्याज कट। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप बोलती हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी में आप खुश रहे, खासकर कि मैरिड गर्ल्स के लिए है, तो आप हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बोले, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, और हमेशा इंसान सब्र करना चाहिए, हर एक लड़की में सब्र होना चाहिए। तो सब्र वो बड़ी बात है, सब्र वो बात है जो हमें हमेशा खुश रखेगी, हमें कामयाब करेगी, हर एक लड़की के लिए एक ही बात है। और हमेशा अपनी सोच अच्छी रखे, कहीं पे अगर हमें लगता है कि हमें दूसरों के घर जाना है तो वहाँ पर लोग बुरे हैं, फिर ससुराल जाना है, ससुराल में वो होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना रखे, अपनी सोच हमेशा ठीक रखे तो सब कुछ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करें, फिर देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी बनेगी। टमाटोज भी मेरे कट हो चुके हैं। अच्छे बच्चे नहीं रोते, बस 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 लगा चप्पल। देखो मैं वीडियो उठा रही हूँ, देखो रोते रोते करो, अब चुप करो, चुप। देखो आज कितने प्यारे लग रहे फूल, ग्रीन ग्रीन है ना, विंटर में इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, आज बहुत प्यारे लग रहे माशाल्लाह। यहाँ पे मेरा कज़न आया था मुझे इनवाइट करने, क्योंकि हमें एंगेजमेंट है, उसका व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा जल्दी इंशाल्लाह। आपको एक बात बोलूँगी, इंस्टा पे एक पेज है इमरोज वेडिंग प्लानर, आप जाके उनको फॉलो कीजिए, वो वेडिंग प्लानर है, तो वो आपको आपकी शादी को चार चांद लगा सकते हैं, क्योंकि वो मतलब बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप सबको ये बता दूँ, तो आप प्लीज़ जाके, मैं उनका पेज यहाँ पर लगा दूँगी, तो आप प्लीज़ जाके उनको फॉलो कीजिए इंस्टा।
चलिए जी, ये था आज का व्लॉग। अब मुझे पता है ज़्यादा खास नहीं था, उम्मीद है आप लोगों को फिर भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और मुझे दुआ में याद रखना। मेरी दुआ में आप हमेशा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना।